किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार गन्ना है, इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी किसान भाई से लेंगे। तो भैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भैया नमस्कार। नमस्कार बबलू भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई साहब, और बताओ राजी खुशी? हाँ जी। तो भैया आपके जो खेत के मैं शॉर्ट भी देखो जाऊं था, बहुत दिन से बात भी होती रहती, चर्चे रहते, तो थोड़े सा किसान भाइयों के जानकारी दे दो, कौन सा बीज है, कब आपने बुआई करी और इसमें किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है? देखो जो लोग पहले देख चुके हैं तो खैर सच जानकारी होगी, फिर भी बोलूं भाई जी पहली बार आए हैं इसके लिए तो बहुत बहुत आभार जी। तो भैया आपसे पहले पापा आए थे आपके? हाँ जी हाँ जी, ताऊ जी हमारे जी, सोनवीर सिंह जी जी। तो बड़ा अच्छा लगता, वो भी आए, वो किसी वजह से नहीं आ पाए, चलो बीज जीते घर पे गेस्ट वगैरह जी जी। कोई नहीं, पहले तो ताऊ जी को राम राम हमारी तरफ से जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी ये वेरायटी के बारे में थोड़े से कर लो डिस्कशन। ये वेरायटी है 11015 CU 11015 कोयम्बटूर गन्ना संस्थान की, जो कि काफी अच्छे रिजल्ट मेरे यहाँ पे आए। कहीं पे हो सकता है कुछ किसी का मतलब अच्छा अनुभव ना रहा हो, पर अपना अनुभव बड़ा शानदार है इस वैरायटी को लेकर। आपके यहाँ अच्छा उत्पादन, अच्छा शानदार लिया, और हालांकि अच्छे किसानों के पास में आज भी अच्छी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है जी जी। तो रोहित भाई आपके यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ तो इसका नाम लेने से बिदक जावे मिल वाले एकदम, आपके यहाँ क्या हिसाब है इसका? बिजनौर क्षेत्र में भी मुझे लग रहा है ये चल रही है धीरे धीरे। भाई जी हमारी तो मिल की मशीन भर रही है वैरायटी। अच्छा, अभी मैं खुलवा के चेक करवा रहा था अर्ली के नाम पे 11015, और मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो भैया मशीन चलवा के देख लो, मेरे साथ में चलो, मैं आपको भी दिखा सकूं। CO 11015 अर्ली अर्ली मार अदर अर्ली मार रही है अदर अर्ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इतनी सारी नई वैरायटी आई है, आ भी रही है और अपना 38 जा रहा है। देखो 38 मान के चलो, मन्ने मेहनत करके रोक लिया या 2-4-5% किसानों पे रुक पाओगा, ज्यादातर जो है खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 2-4 सालों में जैसे गन्ने का संकट आने वाला है मिलों पे, तो ये 11015 है, 8005 है, जितनी भी नई नई हाइब्रिड वैरायटी है मुझे लगे सारी लेनी पड़ेगी मिलों को। आपकी क्या राय है इसमें? फिलहाल कुछ मिलों की तो व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है जी, काफी कुछ क्षेत्र है, कुछ बिजनौर क्षेत्र है, अमरोहा क्षेत्र के भी कुछ एक मिले इस तरह की है जहाँ पे बोल रहे की वैरायटी कोई भी लाओ भैया, गन्ना बोले आओ कोई सा लियो लियो। ये स्थिति वास्तव में फील्ड की है, ना हो तो हम मैं हूँ, मैं खुद जाके वीडियो बना के हूँ क्या स्थिति गन्ने की है क्या नहीं है जी। जो कि इनकी चुनी ही वैरायटी जो कि रिकमेंड वैरायटी है वो ही, उसमें भी उन्हें नुकसान रहा कहीं जाके, तो कोई कहां तक कोशिश करेगा? देखो 238 में नुकसान है बबलू भाई, आप किधर भी निगाह दौड़ा लो जी, बढ़िया वाला नुकसान है, बढ़िया आप भी आए आपने भी देखा बिल्कुल बिल्कुल। तो कहां तक इसे ठीक है, तो जबरदस्ती का सुद्धा चला रखी जैसे भी कर रखी, पर किसान को पता है कि कितनी ज्यादा दवा वगैरह छिड़कनी पड़ रही, कितना नुकसान रहा जी जी जी। और मैं अपने खेत में बताऊं भाई, बैम का तो देखो कोई इलाज है नहीं। हाँ जी हाँ जी, कहो जाओ कोई भी, इतना कुछ फालतू फर्टिलाइजर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 3 टाइम डोज दी, इसमें झूठ बात कुछ नहीं है, मतलब 3 डोज बोते टाइम दी, फिर बाद में दी, फिर मिट्टी चढ़ाते टाइम 3 टाइम मैंने डोज दी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। स्प्रे वगैरह 3 स्प्रे आज तक मुझे तो कुछ दिखा नहीं इसमें। हाँ तो भैया माइट की समस्या है, हाइट भी बहुत हो रही है। सुनो इसे थोड़ी सी दूरी बनाई गई पहले बबलू भाई, ये देखो कहीं रेड रोड वगैरह कोई शिकायत यहाँ पे कोई सिम्टम्स आ रही है इसमें? कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है। दिखाना जूम करके। हाँ जी हाँ जी। और इधर से भी देखो भैया, इसकी जड़ भी ठाके दिखाओ ऊपर को, बहुत भाई मैं तो ये भी दिखाऊंगा, देखो ये भी तो रेड रोड आवे, पहले तो इसकी लंबाई देखो, उठा दियो इसे, हिस्सा उठाओ ऊपर को, देखो जी कहीं को है क्या कुछ भाई, देखो कोई समय दिख रहा हो जड़, इसकी देखो जी कितनी स्वस्थ है, देखो अपने में तो है नहीं कुछ भी। हाँ जी हाँ जी, लगा मुझे तो बीज में बेचना नहीं, मैंने कहना लगू बीज का मामला बना के ला रहे, बीज का ला रहे कह के नहीं बना के ला रहा, पर रेड रूट वगैरह अपने खेत में है नहीं, नहीं है। दो चीज पे ध्यान दिया बबलू भाई। हाँ जी हाँ जी, एक तो सीड की क्वालिटी जी, और दूसरा भूमि शोधन बहुत जरूरी है बिल्कुल। अगर सीड में गड़बड़ हुई, सीड में गड़बड़ हुई तो आप कहीं भी लगा लो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नस्ल खराब होनी उसकी बिल्कुल, और आपकी जमीन में दिक्कत है तब भी दिक्कत आएगी जी। तो जहां से भी बीज ले, थोड़ा रेड रूट वगैरह के चीज का ध्यान रखे, थोड़ा सा हो सकता है मान सकता हूँ कहीं ना थोड़ी सी अपनी जमीन, सीड की क्वालिटी फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट होनी चाहिए फर्स्ट नंबर बिल्कुल बिल्कुल, प्लस भूमि की क्वालिटी, तब तो ये चलेगा। और दूसरी बात, वैरायटी आएंगी और चली जाएंगी। देखो 38 का टाइम था भाई, लंबा टाइम खींचा, अभी भी कहीं की शानदार चल रही, इंकार नहीं करता। हाँ जी हाँ जी, जो लोग बीज के चुनाव में या बीज की काट छांट में ट्रीटमेंट में कहीं ज्यादा प्रबल ध्यान दे रहे जी, पर अभी एक चीज कहना चाहूंगा, फिलहाल इसके बाद में जो वैरायटी बन कर रहा मामला, देखो पिक्चर ने भी चलेगी, आपने काफी वीडियो बनाई, मैंने बनाई है, दमकम खड़ी, पर चलो जो भी लग रही, हम तो नहीं कहेंगे वैज्ञानिक सही कह रहे, हो सका कहीं ना कहीं कुछ ना हो, पर अपने यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, है नहीं बिल्कुल सही। और चल रही वो, मैं तो ये देखूंगा नई वैरायटी में खड़ी कर दियो जी, भाई जी सुनियो जी, इसका झटका कौन सी वैरायटी चल रही, यहाँ रखो इसे, फिलहाल आज की यहाँ खड़ी हुई थी, अजी लो यहाँ खड़ी थी, ये वजन भी है
नई वैरायटी में कौन सा इसकी तरह से झटका इस तरह वजन देगी, कम से कम इससे 7-8 इंच नीचा और हाइट देख लो जी इसकी कितनी है भाई जी। हाइट बना जी हो, मैं तो कहूँ वजन बजाओ, सारे गन्ने लगभग एक जैसे बन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वजन से मतलब है, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल, हमारा गन्ना भले 5 फुट का रह जाए पर वजन देना चाहिए, इस गन्ने में वो वजन है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये वो है और ये रहे हमारे भाई, ये जानकारी देंगे आगे, इनसे पूछ लो, मतलब ये छोला है मेरे यहाँ भाई, छोला यही करे और इसे ले लो पहले इनका। तो भैया नाम पता बताओ अपना, राठौर से। अच्छा तो मतलब छुलाई वगैरह आप कर रहे, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है वो गन्ना? अच्छा है, अच्छा चलने वाला है, चलेगा तो जी लगाए छोलने में बहुत अच्छा जी। ऐसा नहीं जैसा और दूसरी वैरायटी छोलो छोलो जाओ पूरी नहीं बनती? नहीं नहीं ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया, तो भाई रोहित जी आपसे थोड़ी सी ये जानकारी लेना चाहूंगा, इस बीज की बुआई आपने कब करी थी? थोड़ा सा इधर आ जाओ। 7 अक्टूबर बुआई थी भाइयों, पर एक चीज और कहना चाहूंगा साथ के साथ। हाँ जी हाँ जी, जो मैंने अनुभव करा खुद भी अब गाँव में देखा, मेन चीज है करने से नहीं देखने से भी कुछ चीजें काफी चीजें समझ में आ गई। नई वैरायटी में 3 वैरायटी या पुरानी वैरायटी में 3 वैरायटी ऐसे करके अगर मैं बताऊं तो कुल मिलाकर दोनों में 3 ही वैरायटी अब तक ऐसी है, नई हो चाहे पुरानी हो जी। 0238 होगी आपकी, ठीक है, 0118 होगी और PB95। ये 3 वैरायटी ऐसी है जो 100 के टाइम पे आपकी जैसे दलहनी तिलहनी फसलें होती है, आपकी सरसों की फसल होती है जी जी जी, जो सरसों वगैरह कहीं ना कहीं झेलने की क्षमता रखे है, ठीक है। और चने जिसने बो दिए जी, वो तो धरती में मिला दिया, बस चने चने बचे, गन्ना तो जैसा होगा माशाल्लाह वह कहना क्या जी। हमारे यहाँ पे काफी लोगों को काफी नुकसान रहा, मतलब सेफ फसली ना बो में अगर हाँ, इन 3 वैरायटी में तो चल जाएगा, बाकी मैं भी गम्मा नई वैरायटी कोई भी को ऐसा है नई वैरायटी नहीं झेल पा रही कोई भी चीज, मतलब ना अच्छा बोलता ना बुरा, नहीं झेल पा रही सेफ फसली में कुछ भी, वो तो बता गए ना कहाँ कर ली सेफ फसली और उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत से कारण है। सेफ फसल में कहीं ना कहीं इतनी मेहनत नहीं हो पा रही, जानवर का कहीं ज्यादा नुकसान है, अन्य चीज आप बोलते हो सब्जी वगैरह करना चाहते हो जी जी जी, तो कहीं ना कहीं एक तो रखवाड़ आपकी बढ़ जाएगी, दूसरा भाव का नहीं पता और तीसरा पता नहीं कब मामला क्या चौपट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फसल भी इफेक्ट पड़ता है भाई। तो भाई थोड़ी सी जानकारी मैं ये लेना चाहूंगा, जैसा आपने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है जी? 5 फीट है और सह फसल में कोई चीज बुआई नहीं करी, सिंगल एक ही सिंगल पर प्लांटेशन है, एक चीज बस देखने वाली हुआ है वजन में, कहां पे ले रहा हूँ ये देखो जी, ये ब्यात है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ जी हाँ जी, आप मुझे बता दो फिलिंग की रिक्वायरमेंट कहीं है क्या? मतलब ये सिंगल बर्ड का है जी, सिंगल बर्ड में है, गन्ने का साइज देखो, और सारे देखो से गन्ने ही गन्ने हैं जी लगातार। बहुत बढ़िया, अब ये मुझे बता दो कहीं फिलिंग की रिक्वायरमेंट है क्या इसमें? नहीं जी, सारे गन्ने सेम चल रहे। बिल्कुल, हाइट भी देखियो ठीक ठाक ले रहा। बहुत बढ़िया, अब 5 जुड़ने के बाद भी रुको नहीं, वो बड़ा आदमी का होता है, राजा हो तो मर जा, रही हो तो ढा जा, सीधी सी बात है। हाँ, अपना तो वजन से मतलब, वो मुझे अच्छा हाथ लग रहा है। बहुत बढ़िया, वैरायटी अच्छी है पर कहीं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं दिक्कत हो, बाकी जल प्लावित वाले एरिया है वहां पे बुआई मत करना भाई, और किसी फिर भी मतलब ज्यादा नमी हो, नमी मतलब बनी कहने का मतलब है जहाँ पे जल वगैरह जल भराव की स्थिति पहले से बनी रहे। अच्छा, अगर सीड अच्छा मिल रहा है और भूमि आपकी हर तरह स्वस्थ है या 238 का कोई मामला बनकर नहीं आया खराब, कोई आपका खेत को जमीन को बिगाड़ गया हो, उस जगह बिल्कुल बुआई मत करना, और अन्य बहुत रेड रोड प्रतिरोधी वैरायटी है उस तरह की बुआई करना, या 16-0-30 आगे करनाल की है, और भी वैरायटी जनरल की है, वैरायटी अच्छी है इस तरह की रेड रोड प्रतिरोधी और भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी रेड रोड प्रतिरोधी वैरायटी हो उसका चुनाव करें आप। रोहित भाई अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे एक चीज को लेना चाहूंगा, बाहर को आ जाओ, जैसा अभी आपके पीछे पीछे कटाई हो रही। हाँ जी, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गन्ना निकल रहा ये कंडीशन यहाँ है तो वही भाव होगी, बेहतरीन, तो उत्पादन तो अच्छा रहा होगा, उत्पादन ठीक रहा भाई जी, बढ़िया बढ़िया उत्पादन है, मजे है, ज्यादा उत्पादन की बात वीडियो पे करेंगे भी नहीं। एक बात कहना चाहिए मुझे, एक बात कहूंगा, कभी ताऊजी के पैर पड़े थे आपके पिताजी हमारे ताऊजी पूजनी ताऊजी के पैर पड़े थे, उस साल मेरा उत्पादन बड़ा अच्छा आया था। अच्छा जी, उस खेत में गए शानदार, मैं ताऊजी को बार बार नमन करता हूं इस चीज के लिए, इस वर्ष आप आए हैं तो कुछ न कुछ अच्छी खबर आप भी लेकर आए। हाँ, उत्पादन लगा लग रहा है, मेहनत तो आपने इधर भी राजी खुशी है उधर भी राजी खुशी। हाँ, एक बैक साइड में खड़ा उसमें मुझे नुकसान है, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है, पर कहीं ना कहीं मैं कवर कर लूंगा उसको भी कैसे भी कर। चलो चलो, बहुत अच्छी बात, निकाल दूंगा। अब थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा, जैसा आपने पीछे पीछे कटाई कर दी, हाँ जी, इसमें आप अब क्या करोगे? इसमें अभी तो छुलाई चल रही है, छुलाई के बाद में देखेंगे भाई जी क्या व्यवस्था हो। आरएमडी का टाइम तो फिलहाल है नहीं। अच्छा, आरएमडी का टाइम तो नहीं, पर देखना पड़ेगा किस किस तरह से व्यवस्था करेगी इसकी। हाँ, वही तो थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था ये इसी बात से। तो मतलब आप इस वैरायटी से संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ, पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी वैरायटी है, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों देख सकते हैं रोहित भाई ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है, बहुत ही अच्छा गन्ना उत्पादन है और अच्छी वैरायटी है। अगर आपके पास में 0238 खत्म हो गया है तो आप इस वैरायटी को भी
ले सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, बहुत शानदार। अगली वीडियो में जो है दूसरी बात करेंगे, दूसरे बीजों के बारे में बात होगी। भाई से एक चीज और पूछना, सतीश भाई देख मेरे कोई रोल नहीं, तुम्हें बताना जो बोलना, नू बताओ ये वैरायटी है भली है, सो जो फागण भी उधर मुझे नू बता दे इसके सामने क्या टिक रहा। एक भी बता दे मेरे पे 40 वैरायटी की झूठ बात, इसके सामने बता दो कहां टिक रहा है। नंबर एक की बहुत बढ़िया, देखो जी भैया ऑन स्क्रीन बता रहे भैया, देखना तो बुरा नहीं है, देखो दिख रहा है, एवरेज भी है, वाकई में खड़ी भी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो भाई बहकावे में ना आओ किसी के भी। अगली वीडियो में जो है कि दूसरी वैरायटी की बात करेंगे, किस टाइम की, इस पे जो है एवरेज में भाई हो, टाइम भी डिपेंड करता है। अच्छा रोहित भाई बहुत अच्छी जानकारी दी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार।